नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है, रायबरेली के दौरे पर रही खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा, आज लखनऊ पहुंच स्मृति ईरानी रायबरेली के लिए रवाना। 12 बजे रायबरेली पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सलोन के ममुनी और धराई गांव में कार्यक्रम, सखा सहायक कार्यक्रम में भी करेंगी शिरकत। 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगी स्मृति ईरानी। लखनऊ से 6:15 पर दिल्ली के लिए हो जाएंगी रवाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा, आज लखनऊ पहुंच स्मृति ईरानी रायबरेली के लिए रवाना। 12 बजे रायबरेली पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी आज, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे स्मृति ईरानी के? देखिए, स्मृति ईरानी अभी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची हैं और 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगी। इसमें बताया जा रहा है कि सलोन के जो ममुनी और धराई गांव में उनके कई कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां पर वो सखा सहायक कार्यक्रम में शिरकत करने वाली है। और उसके बाद वो 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और लखनऊ से 6:15 वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम है स्मृति ईरानी का एक दिवसीय, जो वो रायबरेली में रहेंगी और कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करके जनता को संबोधित करेंगे। जी, काफी लंबे वक्त के बाद स्मृति ईरानी यूपी आई है, यूपी के रायबरेली आई है, क्या कहेंगे, क्या ये चुनाव की वजह से संभव हुआ है? स्मृति ईरानी का अगर देखा जाए तो बहुत समय वो नहीं रही है, हालांकि बाहर वो अपने संसदीय क्षेत्र से, अभी बीते महीने में ही स्मृति ईरानी का रायबरेली का दौरा हुआ था। वो स्मृति ईरानी रायबरेली आई थी और कुछ कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने करी थी और उसके बाद फिर से वो रायबरेली पहुंची हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रयास यही है कि वो ये जताना जरूर चाहती हैं कि जिस सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दबदबा रहा है, उस सीट पर जो दूसरा सांसद यानी स्मृति ईरानी जो जीत कर आई है, वो लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है, जनता के बीच बनी हुई है। अमेठी और रायबरेली की जो बेल्ट कांग्रेस की रही है, उस बेल्ट को, उस फॉर्मूले को तोड़ने में कामयाब रही है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं प्रयास उनका यही है कि अमेठी और रायबरेली में जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि अब सोनिया गांधी की सीट पर उनकी नजर है और उसको भी अब कहीं ना कहीं वो धाराशाही करना चाहेंगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम जो है उठाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा है, लखनऊ पहुंचकर स्मृति ईरानी रायबरेली के लिए रवाना हो चुकी है। 12 बजे रायबरेली पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सलोन के ममुनी और धराई गांव में है उनके कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 12 IPS अफसरों के हुए तबादले। IG कानपुर रेंज और IG आगरा रेंज को हटाया गया, 2 नए चेहरों को दिया गया रेंज का प्रभार। साइडलाइन में रहे IPS अफसरों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 12 IPS अफसरों के हुए तबादले। IG कानपुर रेंज और IG आगरा रेंज को हटाया गया, 2 नए चेहरों को दिया गया रेंज का प्रभार। साइडलाइन में रहे IPS अफसरों के हुए ट्रांसफर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 12 IPS अफसरों के हुए तबादले। IG कानपुर रेंज और IG आगरा रेंज को हटाया गया। नवाबों की नगरी में अमित शाह का होगा आगमन, भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक को संबोधित करेंगे, भाजपा मुख्यालय पर संगठन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। नवाबों की नगरी में अमित शाह का होगा आगमन, भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक को संबोधित करेंगे शाह, भाजपा मुख्यालय पर संगठन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। नवाबों की नगरी में अमित शाह का होगा आगमन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह, अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक को संबोधित करेंगे अमित शाह, भाजपा मुख्यालय पर संगठन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है,
विधान परिषद के नए सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। नव निर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद एमएलसी पद की लेंगे शपथ। संजय दिशा चौधरी वीरेंद्र सिंह गोपाल अंजान लेंगे शपथ। विधानसभा के टंडन हॉल में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधान परिषद के नए सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद एमएलसी पद की लेंगे शपथ। संजय दिशा चौधरी वीरेंद्र सिंह गोपाल अंजान लेंगे शपथ। विधानसभा के टंडन हॉल में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधान परिषद के नए सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। नव निर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद एमएलसी पद की लेंगे शपथ। संजय निषाद चौधरी वीरेंद्र सिंह गोपाल इंजान लेंगे शपथ। विधानसभा के टंडन हॉल में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधान परिषद के नए सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। थॉमसन कॉलेज में सीएम योगी का कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। 1,020 करोड़ की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज। सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। थॉमसन कॉलेज में सीएम योगी का कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी करेंगे वितरित। 1,020 करोड़ की 143 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। थॉमसन कॉलेज में सीएम योगी का कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे लोकार्पण शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम। भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर होगी महापंचायत। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। महापंचायत में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश रहेंगे मौजूद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापंचायत में करेंगे शिरकत। सदर विधानसभा क्षेत्र के हलधर में होगी जनसभा। भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। महापंचायत में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश होंगे शामिल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापंचायत में करेंगे शिरकत। सदर विधानसभा क्षेत्र के हलधर में होगी जनसभा। भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर होगी महापंचायत। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। महापंचायत में सुभाषपा अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापंचायत में करेंगे शिरकत। सदर विधानसभा क्षेत्र के हलदर में होगी जनसभा। भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर होगी महापंचायत। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत।
भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। महापंचायत में भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश भी रहेंगे मौजूद। सदर विधानसभा क्षेत्र के हल्दर में होगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर होगी महापंचायत। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। महापंचायत में भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश रहेंगे मौजूद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापंचायत में करेंगे शिरकत। सदर विधानसभा क्षेत्र के हल्दर में होगी जनसभा। भाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर होगी महापंचायत। आज मऊ में आयोजित होगी महापंचायत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले होगी महापंचायत। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।